आज बात करते हैं नस सिंह और क्लर्क सिंह। ये खान मेरठ लिस्ट का क्या होने वाला है, मुल्तान मेरठ लिस्ट का क्या होने वाला है, और ये चिट उनको दिखाएं वो फौरन आपको चेक करके देता कि मतलब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब खैर वफियत से होंगे, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। जी अली खान मेरठ लिस्ट का क्या होने वाला है, मुल्तान मेरठ लिस्ट का क्या होने वाला है, पिंडी मेरठ लिस्ट का क्या होने वाला है, और ऑल पाकिस्तान में जितने भी आर्मी के सेंटर है उनका क्या होने वाला है, मेरठ लिस्ट लगने वाला है नहीं लगने वाला। इतने कमेंट्स इतने व्हाट्सएप पर रबे करते हैं जिसका कोई हद नहीं है। पहले तो मेरी यही दुआएं अल्लाह पाक उन सब लोगों को रोज़गार अता फरमाए जिनके पास ना कोई नौकरी है ना कोई कारोबार है। बाकी अल्लाह पाक करे कि आप सबकी नौकरी लग जाए, मेरी यही एक दुआ है आप सबके लिए। बहरहाल बात कर लेते हैं कि इन सेंटरों का, मेरिट लिस्टों का, वेटिंग लिस्ट का, रिजर्व के ऊपर। तो मैंने खैर एक प्ले लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दी कि मतलब रिजर्व का ये होगा, लो मेरिट लिस्ट का ये होगा, वेटिंग लिस्ट का ये होगा, उनके बारे में तो आज बात करने वाले नहीं। आज बात करते हैं नर्सिंग और क्लर्क की, ठीक है ना। कल गया था डी खान सेंटर, ठीक है ना। कम्युनिटी में मैंने मैसेज भी कर दिया था कि मैं गया हूँ, इंशाल्लाह जो भी अच्छी मालूम होगी आप सबके लिए मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल मैं सेंटर चला गया था, डी खान सेंटर मैं चला गया था। जिस तरह कि आपको पता है, अगर आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने टेस्ट दिया तो इसकी मतलब इंटरेस्ट पॉइंट यही होता है कि मतलब आपको जाना होता है, पहले पहले आपको इजाज़त लेनी होती है। सबसे पहले मैंने अपने मोबाइल वगैरह जमा कर दिए थे, ठीक है, जो उनके लॉ हैं कानून हैं हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना। बहरहाल मैं अंदर चला गया था। अंदर जाने के बाद मैंने उनको रोल नंबर दिखाए, बड़ी इज्जत से उन्हें उन्होंने मुझे कहा कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, मतलब थोड़ा सा वेट कर लें, हम थोड़ा काम कर रहे हैं। मैंने कहा चलो इंश्योर बिल्कुल आपका काम, मतलब आपका जो भी काम है सर आप काम कर लें, उसके बाद मतलब मुझे रोल नंबर चेक करके दे दें। उन्होंने कहा ठीक है। मैं बैठ गया सामने डेस्क पर, थोड़ा 10-15 मिनट मैंने वेट किया, ठीक है ना। वेट करने के बाद उन्होंने मुझे खुद बुलाया कि आप आ जाएं और स्लिप लेकर आएँ। मतलब उनको मैंने स्लिप दे दी, पर उन्होंने वहाँ पर उसको चेक कर दिया बड़े अच्छी तरीके से। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मतलब इनका नाम नहीं है, ठीक है, एक पास फिट है और एक का बिल्कुल लो मेरिट है, जो मतलब मुझे नहीं लगता कि उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। पर अब पास फिट का क्या मतलब है, जो क्लर्क था वो पास फिट था, जो नर्सिंग में था वो मेरे ख्याल में वेटिंग लिस्ट में था। अब पास फिट का यह मतलब होता है कि आपका टेस्ट फेल है, जो मतलब आपने क्लर्क की कट दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लर्क की कट दिए, तो मैं अगर पास फिट हूँ इट्स मीन्स कि मेरा जो टेस्ट है क्लर्क का वो फेल है, ठीक है। जिसके 100 मार्क्स है तो मैंने उसमें से 40-35 जो भी है वो मैंने गेन किया, इट्स मीन कि ये फेल है, क्योंकि 50 से ऊपर आप जाते हैं तो आपका टेस्ट पास होता है, एनीवन आपका टेस्ट फेल होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल उन्होंने ये मालूम मेरे साथ शेयर की। फिर दूसरा रोल नंबर जो था वो मैंने उनको दे दिया, फिर उनका यही सेम था। अब दूसरा रोल नंबर जो था इसने अप्लाई किया था 23A में 22B में और 22A में, लेकिन उस भी बेचारे का नाम फिर भी वेटिंग लिस्ट में था, ठीक है ना। तो अब कोशिश करें, अब मैंने आपको इतने वीडियो में बताया, कम्युनिटी में बार बार मैसेज करता हूँ कि खुदा रहा मतलब ये आप करें कि आपका डी खान में कोई तो जानने वाला होगा, कोई तो मतलब आपका रिश्तेदार होगा, रेफरेंस का कोई भी बंदा होगा, यार आप उनको रोल नंबर अपना सेंड करें। रोल नंबर आप पूरा सेंड उनको नहीं कर सकते, जिस तरह होता है 23A DA खान 18 21 22, मतलब ये जो इस तरह होता है रोल नंबर, अपना नाम रोल नंबर और फादर नेम उनके साथ आप शेयर कर दें। उस दोस्त को आप कहें कि आप चले जाएं और ये चिट उनको दिखाएं, वो फौरन आपको चेक करके देगा कि मतलब इस बंदे का स्टेटस क्या है, मतलब आगे इसकी कोई चांस है नहीं है, ठीक है, कितना परसेंट इसका चांस होगा नहीं होगा, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन वो आपको बड़ी अच्छी तरह से आपको गाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर जो क्लर्क बैठे होते हैं बड़े अच्छे बंदे होते हैं, ठीक है, मैं तो 2-3 दफ़ा गई हूँ, लेकिन बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने मुझे मतलब ये चीज़ें करके दे दिए थे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग आ जाएं और अपना स्टेटस यहाँ से चेक करके चले जाएं। अब बंदे ज़्यादा हैं, मैं एक हूँ, ठीक है, तो मैं बार बार कैंट जा भी नहीं सकता, जो बंदा खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो आप खुद कोशिश करें कि यार अगर आपका इधर कोई रेफरेंस का बंदा है उनको इधर आप कहें कि आप चले जाएं और मेरे लिए स्टेटस को आप चेक करें। इंशाल्लाह फिर भी कोई अच्छी अपडेट होगी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपना स्टेटस चेक करें, क्योंकि कमिंग बर्थ इंशाल्लाह 1.5-2 महीने में शायद हो सकती है कि आ जाए। इंशाल्लाह उसके बारे में भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। फिर भी कोई आपका कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताए, विदिन 24 आवर जिस तरह मैं फ्री होता हूँ फौरन इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा। और जिन भाइयों ने डी खान मेरठ लिस्ट के हवाले से पूछा था तो उनके लिए ये वीडियो है, तो कोशिश करें कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से एक तगड़ा सा अच्छा कर दें। मेहरबानी आपकी होगी, थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।